की तरफ से टेंडर आया, टेंडर कंप्लीट हुआ पूरा, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भर्ती आएगी कब। तो आज साथी उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सरकारी डिपार्टमेंट है, जो सरकारी योजना हो, सरकार के जो भी दैनिक कार्य हैं, इन सब का प्रचार प्रसार करता है, उसे बोलते इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ये सरकारी डिपार्टमेंट है जिसका कार्य सरकारी चीजों को आम नागरिक तक पहुंचाना होता है। तो इसके आप यहां पर देखेंगे ऑफिशियल हैंडल है ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक अकाउंट है, मतलब ये ऑफिशियल अकाउंट है, ये आपकी कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि अपने मन से कह रहे हो। इनका आप नीचे देखोगे, मैं इसे फॉलो भी करता हूं, आप इसे नीचे देखोगे तो थोड़ी देर पहले की खबर है, लगभग यहां पर एक घंटे पहले, यहां पर आपको दिख रहा होगा 1 आवर पहले लिखा हुआ है एंड यूपी पुलिस में 12वीं पास के लिए बंपर भर्ती जल्द शुरू होगी 26,210 कांस्टेबल। ये साथी तभी कोई चीज डालते हैं जब उस पर बिल्कुल प्रॉपर कोई मतलब भाई, सबसे पहले तो सरकारी दफ्तरों में ये चीज जाती है, और सरकार आप जानते हैं कि जो भर्ती होती है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं आम जनता तक पहुंचाती है। तो इन्होंने ट्वीट किया, इसका मतलब आधिकारिक तौर पर यह भर्ती किसी भी समय, इसका नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी हो सकता है। आपको पहले कभी नहीं बताता भर्ती बोर्ड की, मैं उस दिन अचानक से आपको दिख जाएगा भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर। एक और सेकंड बात कि जब वो दिखेगा कि उसमें 7 दिन बाद या 10 दिन बाद का टाइम होगा कि इस दिन से फॉर्म भरने शुरू होंगे, इनिशियल चीजें वो पहले बता देंगे कि क्या क्या एज होगी, क्या क्या नहीं होगी, तो सारी बातें करेंगे। असल में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 26,210 पद है, तो पदों पर ये क्लियर हुई कि 26,210 पद की भर्ती है, बड़े घटे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें अभी 8,000 के करीब कुछ पद पीएससी के नहीं जुड़े, जिनसे जुड़कर ये 35,000 के तकरीबन हो सकती थी। तो मैं आपको इसकी छोटी छोटी कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले आप समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता अर्थात आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 का मतलब होता है 12th, आप 12वीं पास होने चाहिए। क्या साथी? आप 12वीं पास होने चाहिए, याद रखिएगा 12वीं पास। जब आप फॉर्म भर रहे हो आपके पास रिजल्ट हो। आयु की बात करें तो पुरुष के लिए आप साथी जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं 18 से 22, महिला 18 से 25। एससी एसटी ओबीसी को साथी उत्तर प्रदेश में ये एज में आयु में छूट मिल जाती है। हाइट की बात करें, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है।